तो जैसा कि मैं आ चुका अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जैसे ही आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएं, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट आपका जो फिल्मोरा एक्स है उसको सिंपल तरीके से ओपन करना है। आप उसको जैसे ही ओपन करोगे और उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जब इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा हो, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके सामने आएगा न्यू प्रोजेक्ट या आपका जो भी पुराना प्रोजेक्ट है, आप जैसे ही ओपन करेंगे किसी एक पे तो इस प्रकार का इंटरफेस मिल रहा होगा। आप जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस आ जाए उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है। तो उसके आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट का बटन देख पा रहे हो उसके बगल में रिकॉर्ड दिख रहा है। उसके बाद आप जैसे ही रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, रिकॉर्ड वॉइस ओवर। तो सिंपली हम बात करेंगे पीसी स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन पर क्लिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो फिल्मोरा एक्स का जो मेनू बटन है उसके बाद आपको देख पा रहे हो लिखा है फाइल, फाइल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद अगर आप देख पा रहे हो रिकॉर्ड मीडिया पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप रिकॉर्ड मीडिया पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन आ जाएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक छोटा सा फिल्मोरा और ऐप का स्क्रीन रिकॉर्डर खुल जाएगा, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हो। इसके बाद आपको एक छोटा सा पॉपअप मिल रहा होगा, उसमें आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि स्पीकर का यानी कि साउंड का दिख रहा होगा। अगर आप ऑडियो अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑडियो को इनेबल करना चाहें तो यहाँ से आप ऑडियो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको किस फाइल, किस लोकेशन में अपनी ये इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेम रेट्स दिख रहा है, क्वालिटी दिख रहा है, और आपका जो माउस का यानी कि माउस जो मूवमेंट करते हैं उसका किस प्रकार का, जब हम क्लिक करते हैं रिफ्लेक्शन जो है किस प्रकार का आना चाहिए, ग्रीन, येलो, रेड, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे पुस्का अगर आपको यहाँ पे F10 और स्टॉप स्टार्ट F9 से करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही इस प्रकार का इंटरफेस मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देख पा रहे रेड में ये बटन दिख रहा, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लेगा 3 सेकंड, और उसके बाद आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अगर अपनी स्क्रीन को स्टॉप करना है तो आप F9 दबा सकते हैं। अगर आपको F9 से नहीं करना है तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नीचे टास्क मैनेजर में यहाँ पे आप बटन दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। एक लिखा है ओपन रिकॉर्डर और क्यूट रिकॉर्डर, तो सिंपली आपको ओपन रिकॉर्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। और जैसे आप स्टॉप करोगे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो जिस भी लोकेशन में आपने सेव कर रखा था वहाँ पर सेव हो जाएगी और इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और वहाँ से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अच्छे से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं।